What's up everybody, this is Mahesh, welcome to my MSP YouTube channel. तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि भैया और मैं पवन का रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट फिक्स करने जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, लेकिन वहां पर जाके हम थोड़ा अलग करने वाले हैं, जो कि मैंने दी को बताया नहीं, दी को सिर्फ बताया है कि रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट फिक्स करने जा रहे हैं. तो वहां पर आरी के शोरूम में चल के सस्पेंस को दूर करते हैं, तो ब्लॉक में बने रहे. हल्दियापदर ओवर ब्रिज में निकलने के बाद अभी कन्नीसी हाईवे में आ गए हैं और सीधा चलते हैं रॉयल एनफील्ड शोरूम को. और ये भैया ड्राइव कर रहे हैं, भैया राइड कर रहे हैं, जल्दी से चलते हैं. हम कन्नीसी अब पहुंचने ही वाले हैं, रॉयल एनफील्ड का शोरूम आ जाएगा. और ये रहा रॉयल एनफील्ड का शोरूम, ये रहा, देखते हैं क्या कुछ है. हंटर यही सामने खड़ा है. यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का शोरूम में हम खड़े हैं और ये रहा पवन. पवन का नंबर प्लेट भी आज रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगेगा, इसीलिए हम आए हैं. और देख सकते हैं भैया का हेलमेट और मेरा हेलमेट. और ये रहा रॉयल एनफील्ड का शोरूम, इसका टेस्ट राइड हो पाएगा तो लेंगे आज. मस्त दिख रहा है ये कलर भी. चलते हैं रॉयल एनफील्ड शोरूम में, एंटर करते. कैसा लग रहा है आप दोनों को? अच्छा, लेकिन पैसा नहीं है. भैया के दोस्त का प्लानिंग चल रहा है हंटर का बुक करने के लिए, तो कितने दिनों में आता है चलिए देखते हैं. और यहाँ सब रॉयल एनफील्ड क्लासिक सब खड़ी है, रिबॉन. मुझे ये कलर ज़्यादा पसंद है, ये कलर क्रोम. बहुत सारी बाइक हंटर को अभी टेस्ट राइड करेंगे, देखेंगे. और ये रहा हमारा पवन, ये रहा पवन. पवन का भी नंबर प्लेट चेंज होगा. और यहाँ पर सब राइडिंग का सामान है, हेलमेट. ये भैया का जैसा हेलमेट है, देख सकते हैं, ये भैया का जैसा हेलमेट है. और बहुत सारी सब ऑफ रोडिंग, और ये ग्लव्स भी है, और राइडिंग शू, जैकेट सब कुछ है. ये हंटर का एक ब्रांड का टी शर्ट. कैसा, अच्छा लग रहा है? जबरदस्त है. प्लानिंग हो रहा है क्या? थोड़ा देखते हैं, टेस्ट ड्राइव करने के बाद. क्लासिक तो रहेगा, ये और एक देखते. पवन तो पवन ही है.
पहले तो कालिया भाई टेस्ट राइड के लिए जा रहे हैं, फिर भैया जाएंगे, फिर मैं जाऊंगा। ये दोनों की सवारी निकल पड़ी। और कैसा रहा राइड का एक्सपीरियंस? जबरदस्त जबरदस्त, बहुत पिकअप है, अच्छा है। अभी भैया टेस्ट राइड के लिए जा रहे हैं और मस्त शूट कर रहे हैं उनको। देखते हैं कैसा रहता है राइड का एक्सपीरियंस। अभी मेरे टेस्ट राइड की बारी है और ये रहा मस्त डिजिटल कंसोल। अभी स्टार्ट करते हैं, हैंड स्टैंड को निकालते हैं न्यूट्रल में। न्यूट्रल हाँ आ गया, और ये किल स्विच मस्त साउंड है रे बाबा। मस्त पिकअप भी है, मस्त अभी से ही पता चल रहा है और नया गाड़ी ना, इसीलिए धीरे ही थोड़ा चलेंगे। मस्त पिकअप है रे बाबा। भैया लेकर जा रहे हैं नंबर प्लेट चेंज करने के लिए, रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट देख सकते हैं वो चल रहे हैं। अभी नंबर प्लेट लग चुका है, ये देख सकते हैं भैया लेकर आए हैं। बहुत टाइम लगा, 15-20 मिनट। ये कुछ ऐसा दिख रहा है नंबर प्लेट। तो यहाँ से निकलते हैं, काम तो ख़त्म हो गया। और ये रहा पुराना नंबर प्लेट, निकलते हैं।
एडिटिंग के टाइम मैंने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लिप खराब हो गया है। हम तो जल्दी जल्दी में निकल गए, इसीलिए मैंने कुछ चेक ही नहीं किया। हेलमेट का जो माइक का सेटअप है वो थोड़ा दूसरी दिशा में थोड़ा मुड़ गया है, और जो एयर का वेंटिलेशन है वो भी ओपन है, इसीलिए सब विंड नॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसीलिए मैंने क्लिप भी थोड़ा डिलीट कर लिया, मैंने जितना हो सका है क्लिप रखा हूँ। और हंटर बहुत अच्छी बाइक है, प्राइस जो ब्रैकेट में आरी ने निकाला है वो बहुत अच्छा है, लेकिन पिलियन सीट के लिए कंफर्टेबल नहीं है। आप अगर राइडिंग कर रहे हो तो कंफर्टेबल है, अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो। और हमारे दूसरे चैनल में दी का जो चैनल है श्रीयंग चैम, उसमें भी ब्लॉग लाइव हो चुका है, चेक इट आउट। तो मिलते हैं और एक फ्रेश धमाकेदार ब्लॉग्स में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ महेश। बाय बाय।